वेलकम टू मनाली गाइस, वी आर फाइनली हियर एंड वी आर राइट नाउ गोइंग टू द ओल्ड मनाली। हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल कैंप है जो ऑलरेडी बुक हो चुका है। सो गाइज, दिस इज़ आर कैंप एंड इट्स अ रिवर साइड कैंप। सो हमें नीचे जाना पड़ेगा। मस्त हवा आ रही है, बहुत ही अच्छी साउंड भी आ रहा है, मज़ा आएगा इधर तो। हाय, सो राइट नाउ वी आर इन आर रूम। ये मेरी डॉम है कुछ दिनों के लिए। आई एम हियर इन ओल्ड मनाली एंड दिस इज हिमटेक स्टेज एंड हैव अ लुक। थोड़ा सामान निकाला है। पहले दिन आते मेरे को मन किया है कि आई गो डाउन, इट्स अ रिवर साइड स्टे, पास में से रिवर निकलती है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं जा करके कूल पेंजेज लूँ, थोड़े ठंडे ठंडे पानी से थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हो जाऊँ। I can't feel my legs now. भाई मेरे पाँव जम चुके हैं। मेरे पाँव। चलो फाइनली वी आर टेकिंग द डे स्लो राइट नाउ। सुबह से अभी तक आराम कर रहे थे, थोड़ा बहुत काम किया, बाकी सो गया था 2 घंटे तो मैं। अभी थोड़ा सा जाते हैं, एक्लिमेटाइज करते हैं, थोड़ा आटा मार के आते हैं। हाँ भाई, इतना ऊपर जाना चाहिए लगभग। इधर नया हॉट एयर बलून स्टार्ट हुआ है, बट उसको रस्सी पकड़ के रखते हैं, 100 मीटर तक ऊपर जाती है, फिर वापस आ जाओ नीचे। पहले वो बोले रिस्क क्यों लेना अपने, नया नया धंधा खुला है, वहीं बंद हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं कोई व्यू पॉइंट के लिए जो पता नहीं कैसा है, 3 मिनट दूरी है, हिडन जेम्स ढूंढ रहे हैं हम। ये व्यू पॉइंट इधर कहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ तो डेड एंड आ गया है। फिर से ओल्ड मनाली आ जाएगा, मंदिर पहुँचा, मनु देवी मंदिर है शायद छोटा सा। ये वाला व्यू पॉइंट तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन मंदिर निराश नहीं करता। क्या हुआ? ये आंटी लोगों के साथ आ पाते हैं तो। गुड प्लेस, गुड कैफे भी गॉड, बहुत ही सामने पत्थरे आ रहे हैं।
वो थोड़ा सा दिक्कत है, और इसके बियॉन्ड गुड है। अभी थोड़ा बजट पे रहते हैं।